दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं आरडीएस का प्रैक्टिकल, ठीक है, जो इसका थ्योरी सेशन है। एक बार आप वो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार आप बेसिकली जो थ्योरी होती है कि व्हाट इज आरडीएस और क्यों यूज़ करते हैं, लाइक बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सा मैंने वीडियो बना रखा है, आप जस्ट पहले वो देख लीजिए, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ पे जाएंगे, सिंपली आप यहाँ सर्विसेज पे जाके भी आरडीएस मतलब लाइक, ठीक है, हम यहाँ सर्च करते हैं सिंपली आरडीएस। ठीक है, हमने किया मैनेजमेंट रिलेशन डाटाबेस सर्विस। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स वगैरह में। हम ये देखिए मैनेज रिलेशन डाटाबेस सर्विस, ठीक है, और हमने क्लिक किया और देखिए हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, आप जो है 40 DB इंस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या होगा, हमें अपना ये इंस्टेंस लॉन्च करने, ये डीबी डाटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें चाहिए होंगे सबनेट ग्रुप्स। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने सबनेट ग्रुप पे। यहाँ पे देखिए कोई सबनेट नहीं है, हम क्रिएट डीबी सबनेट ग्रुप करेंगे। अब इसका नाम डाल देता हूँ मैं, डीबी सबनेट ग्रुप, और अभी महीना चल रहा है नवंबर, तो मैंने नवंबर डाल दिया। ठीक है, नवंबर 2022। ठीक है, और इसका मैं डाल देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्रिएट डीबी सबनेट ग्रुप। ठीक है, वीपीसी पे जाऊंगा और माय डिफॉल्ट वीपीसी मेरा है ही, डिफॉल्ट सबके पास होगा। अवेलेबिलिटी जोन में मैं करता हूँ सेलेक्ट की DEF, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मेरा डाटाबेस है वो कहीं पब्लिकली सबको दिख जाए, इजीली कोई एक्सेस कर सके। तो मैंने बेसिकली लोग ABC में काम करते हैं, तो मैंने DEF में काम करूँगा। ठीक है, मेरा डाटाबेस मैं चाहता हूँ मेरा डाटाबेस थोड़ा सा बैक एंड पे रहे, फ्रंट पे ना आए। ठीक है, तो मैंने DEF के लिए सेलेक्ट, और इसी के साथ मैं इसके सबनेट्स भी चूज़ कर लूँगा। बहुत ही सिंपल सेलेक्ट आपको करना है, कुछ नहीं करना है, नाम डालना है, वीपी सेलेक्ट किया आपने, अवेलेबिलिटी जोन सबनेट सेलेक्ट किया है, और क्रिएट, बस हो गया मेरा सबनेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबनेट मेरा रेडी है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जाना है अपने डैशबोर्ड पे ही डाटाबेस। ठीक है, हम डाटाबेस पे आ गए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ क्रिएट डाटाबेस, अब मैंने क्रिएट किया डाटाबेस अपना। ठीक है, और देखिए एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है इजी क्रिएट। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप लोग देखिएगा ना कि मेरा वीडियो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखो, उसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझ जाओ, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप इसका टाइम देख के मत आना कि यार ये छोटा वीडियो है जल्दी समझ जाऊंगा, बड़ा वीडियो है बोर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सारे पॉइंट्स बता दूंगा, तो आपको एक ही वीडियो एक बार देखना इनफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें, मतलब सपोज मैं आपको पहले बताता हूँ इजी वाला। इजी में क्या होगा, जब हम इजी करेंगे क्रिएट, तो जो AWS है वो मेरे लिए क्या करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें खुद से सेटअप कर देगा, मुझसे बस खाली कुछ चीज़ें पूछेगा। ठीक है, बाकी वो खुद से सब कुछ कर लेगा सेलेक्ट। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में मुझे अपना सब कुछ खुद बताना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, बैकअप लेना है कि नहीं लेना, मेंटेनेंस करना है कि नहीं करना। ठीक है, और इंजन मैंने आपसे कहा था माई सिक्वल करेंगे। ठीक है, माई सिक्वल आपको बता देता हूँ। ठीक है, और हम चलते हैं, ये बाई डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ये खुद से इसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, 8.0.28 बाई डिफॉल्ट है, ऊपर से लेटेस्ट वन भी है। ठीक, और जो टेम्पलेट्स होगा, ठीक है, प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन लेते हैं तो ये हमें लाइक प्रोडक्शन भी आप ले सकते हो, DEV टेस्ट ले सकते हो, या फ्री टायर, तो हम फ्री टायर के साथ चलेंगे वैसे तो। बट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज अगर हमने प्रोडक्शन लिया होता तो क्या होता। ठीक है, ये होता है मल्टी एजी डीबी क्लस्टर। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मल्टी एजेड डीबी इंस्टेंस और एक सिंगल डीबी इंस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है कि जब हम ये करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, अगर हम मल्टी एजी डीबी क्लस्टर, ये न्यू, ये अभी आया है, 1-2 महीने पहले आया है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी जो हमें ये 3 इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 3 इंस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा, हमें जाना पड़ता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, मल्टी एजी में क्या होगा, ये हमें एक प्राइमरी इंस्टेंस और एक हमें स्टैंड बाई इंस्टेंस देगा। ठीक, और सिंगल इंस्टेंस में क्या होता है, सिंगल डीबी में मतलब हमें सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस मिलेगा, कोई स्टैंड बाई इंस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए मैं इसमें ले लेता हूँ मल्टी एजी। ठीक है, एक मेरा प्राइमरी और एक स्टैंडर्ड। ठीक है, 2 इंस्टेंस रहेंगे मेरे पास। इसका नाम डाल देता हूँ मैं अपना, आज का नाम हम डाल देते हैं इसका डाटाबेस 1। चलिए ठीक है, डाटाबेस 1 रहने देते हैं, और हमारा जो यूजर नेम है वो एडमिन रहेगा। ठीक है, पासवर्ड हम क्या करते हैं, user1234, user1234 स्मॉल में, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं यूज होगा, एट द रेट और स्लैश कॉमा कुछ नहीं। ठीक है, और हाँ ध्यान रखिएगा कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो मैंने user1234
मतलब 8 करेक्टर्स मेरे यूज हो गए, ठीक है। मैंने USER user 1 2 3 4, राइट, ये मेरा हो गया। अब मैंने स्टैंडर्ड में देखता हूँ, अगर मैं इंस्टेंस की बात करूँ कि मुझे कौन सा इंस्टेंस लेना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होगा ये M क्लास होंगी सारी इसमें, ठीक है, और जो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड होगा ये R और X क्लास होंगी, ठीक है, बस टेबल जो होगा इसमें T क्लास होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज हम मेमोरी लेके चलते हैं और मैंने चूज कर लिया है सपोज DB2G, सपोज करिए ये ले लेना, ठीक है, 8 CPU चाहिए और 128 GB रैम, ठीक है, नेटवर्क स्पीड रहेगी 4750 MBPS, ठीक। और इसमें मैं क्या करूँगा सेलेक्ट, हाँ हम इसी के साथ जाएंगे, बेसिकली हम जर्नल यूज करते हैं, प्रोडक्शन में हम नहीं यूज करते हैं जर्नल, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए हम जर्नल यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम जाएंगे IOPS I01 के साथ। और एलोकेटेड जो स्टोरेज है ये होती है मिनिमम 100, मैक्सिमम 65,000, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ सपोज करिए 1,000, ठीक है, कि मैंने कहा मुझे 1,000 GB चाहिए, ठीक, ये रेड आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी क्यों आ रहा है, ठीक है। जो प्रोविजन IOPS की स्पीड होगी इसकी वो इसने 3,000 रखी हुई है, तो मैं इसे भी 1,000 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 1,000 से लेके 2,56,000, मैं 5,000 कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये मैंने कर दिया 5,000। और इनेबल है ये, ठीक है, स्टोरेज आपका इनेबल है, हाँ, तो ये जो ग्रीन था ये इसलिए था कि जो एलोकेटेड मेमोरी है वो मैक्सिमम स्टोरेज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें 1,000 होगी, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है ये, मिनिमम हमारी देखिए कितनी है 1,100 GB, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1,100 रख दिया, मिनिमम रखा है सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, डोंट कनेक्ट टू EC2 या कनेक्ट टू EC2, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नेट पे रहे, तो मैं फिलहाल यहाँ पे जाऊँगा डोंट के साथ, ठीक। और IPv4 रहेगा, माई डिफॉल्ट ये रहेगा, सबनेट ग्रुप मेरा यही रहेगा, पब्लिक एक्सेस मैंने फिलहाल नो कर दिया है, ठीक है। और मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप है मुझे नहीं पता ये डिफॉल्ट ने सेलेक्ट कर रखा है चूज में, कि जो आपको बताता हूँ कि जो RDS होता है इसके लिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो 3306 पोर्ट हमें चाहिए होता है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का वीडियो बना दिया है, अगर नहीं आया तो वो आ जाएगा, नहीं तो ऊपर आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ठीक। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मुझे चेक करना है कि डिफॉल्ट में पता नहीं पोर्ट नंबर 3306 अलाउ है कि नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ मैं क्रिएट कर देता हूँ न्यू, राइट, इसका मैं नाम डाल दूंगा RDS सिक्योरिटी, ठीक है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या है इसमें, यस 3306 मैंने आपसे कहा था ना, इसका नाम मेरा RDS सिक्योरिटी और पोर्ट नंबर 3306 अलाउ, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर भी पासवर्ड या IAM रोल मैंने आपको भी बताया नहीं है, मैं आके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, पासवर्ड और ये कर्बोरस ऑथेंटिकेशन भी अलग चीज़ है, ठीक है, ये कर्बोरस सर्वर पर यूज़ होती है। फिलहाल हम जाएंगे पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन के साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, ठीक है, ऊपर मैंने आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दे दिया, लाइक एडमिन यूजर हो गया और पासवर्ड हो गया ये, ठीक, user1234 पासवर्ड मेरा। और मुझे ये परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, रिटेंशन पीरियड 7 डेज का है, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। इनेबल इंस्क्रिप्शन भी मुझे नहीं ज़रूरत है। लॉग एक्सपोर्ट जो होते हैं आपका, ऑडिट लॉग, एरर कितनी बार आया, जर्नल लॉग, स्लो क्वेरी लॉग, जो सब कुछ होगा ये सब आपका एक लॉग बन जाएगा, आपको चाहिए आप सब टिक कर सकते हो, और फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब इसका जो लॉग बन के आता है, जो रिपोर्ट बन के आती है, वो आपके क्लाउड वॉच लॉग में रहती है, ठीक है, अब वहाँ जाके इसे चेक भी कर सकते हो। और इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड ये भी मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, इनेबल नहीं करना है मुझे। मेंटेनेंस विंडो नो, डिलीट प्रोडक्शन, ठीक है, ये रहने देते हैं, ठीक है। आप क्रिएट मत करना यहाँ पे, क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। सपोज करिए मैंने आपसे बोला था कि ये चार्जेबल होगा, ठीक है, अगर मैं जाता हूँ गूगल पे और मैं डालता हूँ AWS प्राइसिंग प्राइस कैलकुलेटर, ठीक है, तो मैंने खोल दिया है AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सर्च करूँगा हम जो, चलिए इसी में देखते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल दी सर्विसेज, ठीक है, सर्च ऑल सर्विसेज, ठीक है, और हमने क्या कहते हैं चेक कर लेता हूँ RDS, RDS हमारा SQL सर्वर का, ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया, ठीक। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया, ठीक है। अब बेसिकली मैंने इंस्टेंस जो मेरे दो हैं है ना, एक स्टैंड बाई और एक प्राइमरी, और कौन सा इंस्टेंस है, चलिए इसको ले लेता हूँ, ठीक है, मैं DB R5 2, मुझे 8 GB 8 CPU और 64
GB रैम चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, DB R5 टू एक्स्ट्रा लार्ज, ओके ये ले लिया मैंने, ठीक है, DB R5 टू एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और जो मेरे ये है मेरा ऑन डिमांड ओनली, ठीक है, स्टोरेज मेरी है जनरल पर्पस है नहीं, आईओप्स है, ठीक है, और ये मैंने रखी हुई कितनी 1000, और स्टोरेज अमाउंट कितना है 1100, सॉरी 1100, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये मुझे कितना कॉस्ट पड़ रहा है मालूम है आपको, ये सिर्फ मुझे जो मेरे जो टू इंस्टेंस हैं वो मुझे सिर्फ पड़ रहे हैं $9,400 के, ठीक है, और जो ये मैंने जो सर ये लिया है स्टोरेज लिया है वो मुझे $475 पड़ रहा है मंथली, मतलब मुझे टोटल देना पड़ेगा $9,898, ठीक है, 9,898 मुझे पे करने होंगे अगर मैंने यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो, राइट, जो कि मुझे नहीं करना है क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, आप समझ गए बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं फ्री टीयर पे क्लिक, ठीक है, हमने फ्री टीयर किया, ये देखिए सारे ऑप्शंस ऑफ हो गए हैं ये वाले, डाटाबेस का मैं नाम डाल देता हूँ डाटाबेस 1, ठीक है, या फिर मैं इसका नाम डालता हूँ डाटाबेस, आज की डेट डाल देता हूँ 3 नवंबर, राइट, एडमिन हो गया, पासवर्ड हमें पता है, और जो बस टेबल टी क्लास होनी चाहिए ये T3 माइक्रो, ठीक है, और ये जनरल पर्पस रहेगा, और हाँ ध्यान रखिएगा कि एलोकेटेड स्टोरेज आपकी 20 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, और 20 से आप ऊपर आप मत करिए क्योंकि वो हमें चार्जेबल होगा, राइट, सॉरी, और यहाँ पे आपको जो इनेबल कर रखा है इसने ऑटो स्केलिंग, इसको आप इनेबल रखिएगा, और इसको मैं कर दूंगा 22, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 22 है इसमें भी, और कनेक्टिविटी नहीं रखूंगा, ये चेंज न्यू मैंने किया हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन की प्रेफरेंस कोई प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, डाटाबेस ये रहेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ, डाटाबेस का मैं नाम दे सकता हूँ, इसका मैं नाम दूंगा DB AWS, दे देता हूँ RDS 3 नवंबर, ठीक है, ये हो गया मेरा, सब कुछ लॉक है, नो प्रेफरेंस, आप इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा अपनी सेटिंग्स पर चेंज करने से पहले, क्या क्या जो मैंने किया वही आपने किया है, ठीक है, और ये एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट आपकी जो है वो फ्री टायर के अंडर इसलिए रहेगी क्योंकि जो आपका फ्री टायर है वो 12 महीने के लिए आपके पास होगा, ठीक है, 750 आवर आपको टोटल मिलेंगे, और आपका ये डीबू T2 माइक्रो T3 माइक्रो या T4G के अलावा नहीं होना चाहिए, और आपका जनरल पर्पस होना चाहिए आपका स्टोरेज 20 GB और ऑटोमेटेड बैकअप भी स्टोरेज 20 GB, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट डाटाबेस, ओके इनवैलिड कैरेक्टर्स, ओके ठीक है, इसमें कह रहा है कि मुझे ये नहीं देने हैं, ठीक है, मैंने नहीं दिया, ओके सो मैंने कर दिया यहाँ से क्रिएट, और एक और चीज़ जो मुझे ध्यान देनी है कि मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस होना चाहिए इस डाटाबेस का रिमोट लेने के लिए, ठीक है, तो मैं फटाक से चलता हूँ अपने सर्विसेज पे जाऊँगा और जाऊँगा EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है इसका लिंक, आप जाके चेक कर सकते हो, ओके तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो है वो क्रिएट हो रहा है अभी, तब तक मैं एक फटाक से इंस्टेंस लॉन्च कर लूँगा विद इन 20 सेकेंड्स आई गेस, ठीक है, ओके सो मैंने क्लिक कर दिया इंस्टेंस पे, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, और मैं नाम दे रहा था RDS EC2, ठीक है, अमेजोन लाइनेक्स रहेगा, 64 इंस्टेंस टाइप जो है मेरा T2 माइक्रो, ठीक है, की पेयर मेरा NV क्योंकि मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, और माई डिफॉल्ट रहेगा ये सिक्योरिटी ग्रुप, HTTP अलाउ कर देता हूँ इसमें, और लॉन्च, कहा था मैंने आपसे 20 सेकंड के अंदर हो गया लॉन्च, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये एक्टिव हो गया है, ओके तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेता है होने में, अप्रॉक्स 5 से 7 8 10 मिनट तक जा सकता है, तो तब तक मैंने अपना ये लॉन्च कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये रनिंग कंडीशन में आ चुका है मेरा EC2 इंस्टेंस, अभी रनिंग नहीं आया है, ओके ठीक है, ये रनिंग में आ जाता है, ठीक है, आ ही गया जाएगा 1 सेकंड में, दो मतलब 5 6 सेकंड, ओके आ गया, ये रनिंग में आ चुका है और मैं इसके आने का वेट कर रहा हूँ क्रिएट होने का, तो आप थोड़ा सा लाइक मैं थोड़ा सा रुक के आता हूँ, वीडियो रोक देता हूँ, मैं पॉज कर देता हूँ,
और जब आप देखोगे तो आपको वो रनिंग मिलेगा, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा 5-10 मिनट का अप्रॉक्स, उतना टाइम लग जाता है इसको बनने में। ओके दोस्तों, तो ये हो चुका है रेडी, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्रिएटेड हो चुका है। अब हम अपने इंस्टेंस पे जाएंगे जो हमने क्रिएट किया था। ओके, इस पे करते हैं सेलेक्ट इसको और करते हैं कनेक्ट, ठीक है। इसे हम कनेक्ट करेंगे और यस, हम आ चुके हैं अपने इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, अपने डाटाबेस के नाम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बस 2-3 मिनट का काम आगे से बचा है। कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के अंदर आप देखोगे कि एंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने नाम पे क्लिक किया डाटाबेस के, कनेक्टिविटी के अंदर गए और एंड पॉइंट पे आपने क्लिक किया, ठीक। अभी आप अपने EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, इसका ये एनवायरनमेंट सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो पैकेज हम कैसे करते हैं इंस्टॉल, सूडो यम इंस्टॉल MySQL -y, एंटर। और ये देखिए मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, राइट। कूल, मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैं कर देता हूँ क्लियर ताकि सब कुछ ऊपर दिख जाए आपको इजीली। अभी मुझे अगली कमांड क्या यूज़ करनी है, MySQL -H होस्ट के लिए, और मुझे अपना एंड पॉइंट यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना है। ये मैंने अपना एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ किया पेस्ट। फिर करूँगा मैं -P, क्योंकि मैं पोर्ट नंबर 3306 को करना हूँ अलाउ। -U, यूजर नेम मेरा था एडमिन, ठीक है। -P से मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। जो पासवर्ड मेरा मांगता है, ये देखिए पासवर्ड है मेरा क्या, USER यूजर 1234, एंटर। कूल, जैसे हमने डाला पासवर्ड, आप देख सकते हो वेलकम टू मारिया मॉनिटर और ये सब आ चुका है, और ये हम आ चुके हैं अंदर, ठीक है। हम आ चुके हैं माई एसक्यूएल के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ शो डाटा बेस, ठीक है। अगर मैं करता हूँ शो डाटा बेस, ये देखिए आप, हम आ चुके हैं माई सिक्यूल के अंदर और डाटा बेस फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो लाइक कमांड है माई सिक्यूल की ये, ठीक है। अभी कुछ है नहीं इसके अंदर और मैं माई सिक्यूल यहाँ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, तो लाइक मैंने रिमोट ले लिया है बेसिक, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ भी करता हूँ तो हम माई सिक्यूल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम माई सिक्यूल के अंदर पहुँच चुके हैं, आप देख लो, ये पहले कैसे लिख क्या था, ये EC2 यूजर और IP एड्रेस, ऐसे अभी कैसे आया माई सिक्वल ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो मैंने रिमोट ले लिया है अपने डाटाबेस का, ठीक। तो ठीक है, ऐसे ही आप भी रिमोट ले सकते हो। और यही था हमारा आज का टॉपिक RDS। इसके बाद जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता रखा है कि हाउ टू रिस्टोर DB इंस्टेंस यूजिंग स्नैपशॉट, हाउ टू टेक रिमोट ऑफ स्नैपशॉट, ठीक है। और ये रीड रेप्लिका क्या होता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग डायनोमो डिबो भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे करने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, आप प्लीज़ इसको डिलीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, चार्जेबल होती हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कुछ भी जो है वो आपका ऐसा कुछ चार्ज पड़े जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो आप प्लीज़ से इसको कर दीजिएगा डिलीट, और इसको मैं भी कर देता हूँ डिलीट, और DELET, ठीक है, ये मैंने कर दिया डिलीट इसको। आप भी कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है तो बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।